उज्जैन में एक राजा था। ये राजा शारीरिक सुखों में डूबा हुआ था। वो वाकई अपनी मनमर्जी करते हुए जी रहा था। तो उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला। तब पिंगला बोली, अगर दो दिल मिलकर एक हो गए हों तब ऐसा ही होता है। तो अगली बार जब वो शिकार पर गया, वो इस चीज को आजमाना चाहता था। उज्जैन में एक राजा था, उसका नाम था भर्तृहरि। ये वही हैं जिन्होंने श्रृंगार षटकम लिखा और बाद में वैराग्य षटकम भी लिखा। श्रृंगार षटकम एक कविताओं की रचना है। इसमें सिर्फ काम की लालसा और काम साहित्य है। वैराग्य षटकम एक पूरी तरह से वैराग्य और त्याग की रचना है। ये राजा शारीरिक सुखों में डूबा हुआ था। वो वाकई अपनी मनमर्जी करते हुए जी रहा था। एक दिन वो शिकार पर गया और उसने एक हिरण को निशाना बनाया और मार गिराया। जब हिरण मर गया तो मादा हिरण जो उसके साथ ही थी वहीं खड़ी रही। अपनी जान जोखिम में डालकर भी वो वहीं खड़ी रही। राजा ये देखकर हैरान था। भागकर अपनी जान बचाने के बजाय वो वहीं मरने के लिए तैयार खड़ी थी। और तभी इसी बीच राजा के साथ शिकार कर रहे सैनिकों में से एक को सांप ने डस लिया और वो भी मर गया। जब वो मरा, उसकी पत्नी आई और जैसे ही उन्होंने सैनिक को आग के हवाले किया तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस औरत को आग से दूर रखा, क्योंकि वो आग में कूद जाना चाहती थी। तो राजा ये देखकर राजा हैरान हो गया। राजा अपने जीवन में खुद को ही सब कुछ समझता था, उसके सुख, उसकी पसंद वगैरह वगैरह। जब उसने इस मादा हिरण को देखा और उस औरत को आग में कूदने की कोशिश करते देखा तो वो एक तरह से कंफ्यूज्ड हो गया। तो उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला। तो वो अपनी पत्नी से बात करते हुए बोला, पता है आज मैंने ये दो घटनाएं देखी, इन्होंने मेरा मन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड करके रख दिया है। तब पिंगला बोली, अगर दो दिल मिलकर एक हो गए हों तब ऐसा ही होता है। ये एक स्वाभाविक चीज है। There's nothing amazing about it. There's nothing intriguing about it. If two hearts are really become one in their experience, this is how it will be. इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, हैरानी की कोई बात नहीं है। अगर दो दिल उनके अनुभव में वाकई मिलकर एक हो गए हों, उसने बड़े सहज होकर कहा, जैसे ये एक आम बात है। तो इसने राजा को और भी हैरानी में डाल दिया कि उसकी पत्नी भी यही कह रही है। उसके पास 500 स्त्रियां थीं, उसे ये बात समझ में नहीं आई। तो अगली बार जब वो शिकार पर गया, वो इसको आजमाना चाहता था। उसने क्या किया कि उसने अपने कपड़ों पर जानवरों का खून सान कर उन्हें महल में भिजवा दिया। और पिंगला को ये बताया गया कि राजा मर गए हैं, उन्हें एक बाघ ने मार डाला। तो जब पिंगला को ये खून से सने कपड़े मिले, उसने कपड़े नीचे रखे, कपड़ों को नमन किया और फिर उन कपड़ों पर लेट गई और उसने वहीं अपनी अंतिम सांस ली और मर गई। जब उसे इस बात का पता चला तो वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो बस ऐसे ही उसे परखना चाह रहा था और उसने सच में अपनी जान दे दी। और तब उसने अपना राज्य छोड़ दिया और एक ऋषि बन गए। और तब उन्होंने वैराग्य षटकम की रचना की। ये कविताओं वाली सुंदर रचना है। यही स्त्री प्रकृति का स्वभाव है कि नतीजा महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस पल में भावना का आवेश और प्रेम
किसी भी नतीजे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी काम का नतीजा क्या होगा, ये हिसाब लगाना पुरुष प्रकृति का स्वभाव है। पुरुष प्रकृति हमेशा नतीजे के बारे में सोचती रहती है। स्त्री प्रकृति नतीजे के बारे में नहीं सोचती, बल्कि सोचती है कि अभी क्या मायने रखता है। आप क्या सोचते हैं या दूसरा क्या सोचता है, ये स्त्री प्रकृति का स्वभाव नहीं है। वो क्या सोचती है, यही स्त्री प्रकृति का स्वभाव है। क्या उसे विचारों से दिशा नहीं देनी चाहिए? हाँ, देनी चाहिए, अगर बात जीवन के भौतिक या बाहरी पहलुओं की हो तब। पर जब बात जीवन की हो, अगर आप में स्त्री प्रकृति नहीं है तो आप जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। सो दिस इज द नेचर ऑफ द फेमिनाइन दैट इट इज कैपेबल ऑफ गोइंग बियॉन्ड इटसेल्फ। तो यही स्त्री प्रकृति का स्वभाव है कि उसमें खुद के परे जाने की क्षमता है। जो अपने से परे जा सकता है सिर्फ वही आध्यात्मिक प्रक्रिया के लायक है। वो जो अपने आप को बचाना चाहता है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया के लायक नहीं है। शांभवी एक ऐसी चीज है जो आप में स्त्री प्रकृति को प्रज्वलित कर सकती है, क्योंकि अपने आप को अलग रखे बिना ये नहीं हो सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप होने देते हैं। शांभवी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है, आप वाकई ये कर नहीं सकते, सिर्फ तब जब आप इसे होने देंगे ये एक बाढ़ की तरह आएगी। अगर आप इसे सही से टेक्निकली करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस अपने आप में कुछ नहीं करती। जब आप इसे होने देते हैं तब आपका सबसे भीतरी हिस्सा, जो कि सृष्टि का आधार है, वो पूरी तरह प्रकट हो जाता है।